भैया लक्ष्मण। कहिए भ्राता जी। आप पहले जाइए अशोक वाटिका में और उनको लेके आइए। जो आज्ञा भगवान, मैं अभी जाता हूँ और माता जी को लेकर आता हूँ। स्वामी प्रणाम। भगवान, ये क्या देख रहा हूँ, माता जी आपको प्रणाम कर रही हैं और आप हैं कि पीछे पग हटा रहे हैं। भ्राता जी, पहले सीता की अग्नि परीक्षा होगी। क्या कहा? माता जी की अग्नि परीक्षा? हे भ्राता जी, क्या आपको माता जी के चरित्र पर कोई संदेह है? मुझे कोई संदेह नहीं भ्राता जी। नहीं नहीं भ्राता जी, यदि आपको यही सब करना था तो ये इतना बड़ा संग्राम रचने की क्या आवश्यकता थी? हे भ्राता जी, मैंने बोल दिया कि सीता की अग्नि परीक्षा होगी। ठीक है भ्राता जी। हनुमान जी, हे अग्निदेव, मैं अपने धर्म पर सती हूँ तो मुझे आप दीजिए। भगवान, अब तो आपका संशय दूर हुआ। हाँ भ्राता जी, मेरा संशय तो खुश रहो देवी, मेरा संशय तो पहले भी दूर था। अगर मैं सीता को आते ही अपना लेता तो इस संसार में नारी जाति पर कोई भी विश्वास नहीं करता। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मैंने अपनी नरलीला रचने के लिए, नरलीला दिखाने के लिए पहले सीता को अग्नि में प्रविष्ट कर दिया था और मायावी सीता बना करके मैंने सभी ये कार्य किया है। हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। हेलो हेलो प्रभु, आपको कोई नहीं समझ सकता। मैं सदैव आपके चरणों की सेवा करने वाला और आपके साथ रहने वाला। आपने यह राज मुझसे भी छिपाया। मुझे पूजा के पुष्प लाने को भेजा और माता को अग्नि में प्रविष्ट कर दिया। धन्य है प्रभु, आपकी लीला धन्य है। देखिए प्रभु, अब लंका का सिंहासन सूना पड़ा है। जैसा कि आपने विभीषण जी को वचन दिया था कि मैं आपको लंका का राजा बनाऊंगा, तो इनको राज सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं और इनका राज तिलक कर देते हैं। राजा जी, जैसी तुम्हारी इच्छा। हे हनुमान जी, जाइए प्रभु, जाइए और लंका में से राज मुकुट लेकर आइए। जैसी आज्ञा प्रभु। Oh,
कहे हुए वचनों का मर्यादा पुरुषोत्तम ने पालन किया। कभी पंपअप, कभी विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया था, आज अपना वचन पूरा कर डाला। हे प्रभु, मैं धन्य हुआ जो आपने मुझे अपनी शरण में लेकर मेरे जीवन का उद्धार किया है। हे प्रभु, मैं आपको आज एक उपहार भेंट करना चाहता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा पुष्पक विमान देता हूँ, आप उसे स्वीकार कीजिए। मेरे श्रोताओ, लंका में जो आज खोज कर कर करके वैज्ञानिक हार गए, आज से 5,100 साल के लगभग त्रेता युग को बीते हो गया। 5,100 वर्ष पहले रावण के पास पुष्पक विमान था जो वायु मार्ग से और यात्रा करवाता था। आज विभीषण ने एक छोटी सी भेंट कह करके पुष्पक विमान भगवान राम को दे दिया और राम अब धीरे धीरे अपने सैनिक सेवकों आदि को बतलाते चलते हैं ठिकाना और चलते रहते हैं। देखिए भ्राता जी, देखिए अब हमारे वनवास के 14 वर्ष भी पूर्ण होने जा रहे हैं, तो अब हमें लंका से प्रस्थान करना चाहिए और अयोध्या की ओर चलना चाहिए। हे भ्राता जी, देखिए आपके आदेश के अनुसार सुग्रीव जी और अंगद जी को मैंने किष्कंधा भेज दिया है, वो अपने राज्य को संभाले और धन्यवाद सहित उनकी सेना लौट गई है। किंतु प्रभु हनुमान जी, हे वीर हनुमान, कहिए प्रभु। देखिए तुम्हारा उपकार सदैव हमारे काम आएगा और सदा तुम याद रहोगे, इसलिए तुम भी जाओ और ये मोतियों की माला लो और तुम भी अपने राज्य को संभालो। प्रभु, मैं इन मोतियों की माला का क्या करूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए। आप मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे अपने चरणों की निर्मल भक्ति दीजिए। सुना आपने, जय श्री राम। हनुमान जी की मांग सुनी आपने कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मोतियों की मालाएं चाहिए, न राजकाज चाहिए, अगर देना है तो आप अपने चरणों की भक्ति दीजिए। हे भ्राता जी, अब विलंब न कीजिए और शीघ्रता से अयोध्या की ओर चलिए। चलिए हनुमान जी, चलिए प्रभु। ठीक है भैया, आज तुम्हारे 14 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। आप अब तक ना आए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आज तन्हाइयों में भी तुम्हारी याद आती है, आज तन्हाइयों में भी तुम्हारी याद आती है। अंधेरे छा रहे हैं ओ, जान निकली जाती है, आज तन्हाइयों में। तुम्हारे जाने से नगरी में
मैं सारी तुम्हारे जान से नगरी मिली है खाक मैं सारी याद लक्ष्मण व माता की याद लक्ष्मण व माता की मुझे पल पल सताती है आज तन्हाइयों में पिता की जाने से भैया पिता की मौत और वन में तुम्हारे जाने से भैया यार माता सारी है दुखी माता सारी है याद उनको सताती है आज राजू ना चीज कोई याद राजू ना चीज कोई याद मेरे मन को तू आती आज तन्हाइयों में भी तुम्हारी याद आती है आज तन्हाइयों में भैया जब तुमने मेरी इतनी बात नहीं मानी तो फिर मैं भी यहां क्या करूंगा इससे अच्छा है कि मैं भी यही जलकर भस्म हो जाऊं ठीक है भैया जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं भी यही चिता बनाकर भस्म हो जाता हूं अयोध्या मैं भी नहीं जाऊंगा मुझे 14 वर्ष आज पूरे हुए और अब तक मेरे प्रभु नहीं आए लकड़ी चुन चुन करके इकट्ठा ढेर करने लगे भरत अगर प्रभु नहीं आते तो लो मैं भी आज तक की काई था लो भैया जब आपने भरत का ध्यान नहीं किया तो भरत भी आपके बगैर यहां नहीं रहेगा ये भाई भारत है ये भारत का आदर्श विश्व में सृष्टि पर कहीं नहीं है जिस प्रकार मर्यादित राम का और भरत का है ठीक है भैया जब तुम्हारी यही इच्छा है तो लो फिर मैं भी जी कर क्या करूंगा
ठीक है भैया, तुमने मेरा ख्याल नहीं किया तो मैं भी जीकर यहाँ क्या करूंगा। भैया भैया ये तुम क्या कर रहे थे भैया? क्या करता भैया, मैंने आपकी बहुत बार देख ली, जब आप अब तक ना आए तो फिर मैं क्या करता। भ्राता जी, क्या तुम्हें अपने भाई पर इतना विश्वास भी नहीं था? सो तो ठीक है भैया, लेकिन 14 वर्ष भी पूरे हो गए हैं, अब आया होता तो मैं नहीं जा सकता, तुम्हारे बगैर मैं कैसे आया होता चला जाता। हे भ्राता जी, मुझे पता है तुमसे प्रिय मेरा इस संसार में कोई नहीं है, भरत जैसा भ्राता कोई नहीं है। आओ भैया लक्ष्मण। भ्राता जी प्रणाम। खुश रहो भैया। हे भ्राता जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ, आप अयोध्या से दूर और नंदीग्राम में। हे भ्राता जी, आपकी भक्ति निर्मल है। ये जो आपके गांव की तरफ से एक छोटी सी इस कार्यशैली की एक बात होती है, एक थाल होता है जो अनाज से सुभर भरा हुआ होता है, इसका अर्थ यह है कि यह नगर धन और धान्य से इस प्रकार लबालब भरा रहे जिस प्रकार यह थाल अन्न का भरा हुआ है। एक थाल आपकी तरफ से भाई, क्या नाम, धर्मेंद्र, पहले ही बोला जी जो कुछ होता हो रहा तिल पर मेरे से बता दो, मेरा सौभाग्य होगा मैं पहले ले आऊँ, फिर इन टाइम नहीं होता। एक ये जो संपुट कहते हैं हम इसे, जिसमें रामायण लपेटते हैं, 1.25 मीटर कपड़ा होता है लाल, वो गांव की तरफ से वो भी है, और एक पाठक का जिसे पादा कहते हैं, जैसे हम रामायण के ऊपर बैठते हैं यहाँ इसे चौपाई वगैरह बोलने के लिए इस गद्दी पर, जिसे पादा कहते हैं, उसका जनेऊ या वस्त्र होते हैं। तो भाई ने पहले ही जा करके रख दिया था, आइए ये 4-5 चीज आपकी तरफ से अदा हैं।